बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग कि आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं वेजिटेबल का पराठा, जो आप लोग के समय शेयर करें। देखें इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ। मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे काट लिया है। और एक ही मैंने शिमला मिर्ची ली थी दो, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये हरी प्याज के ग्रीन वाले पत्ते हैं, वो भी मैं ऐड करूँगी इसमें। और चार मैंने सब्ज़ मिर्ची ली थी, वो भी मैंने ऐसे काट लिए बारीक बारीक। और ये मैंने दो बड़ी गाजर ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक वो भी काट लिए गाजरें भी। और एक कप मैंने मैदा लिया है, और नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अभी मैं जैसे रेडी करती हूँ फिर आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ। देखिए इसमें हम अंडे ऐड करेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसके अंदर आधे प्याज ऐड करूंगी, ये दो दफा बनाऊंगी मैं। और आधी मैं इसके अंदर शिमला मिर्ची भी ऐड कर दूंगी, और इसके अंदर पत्ते भी ऐड कर दूंगी प्याज के ग्रीन वाले। और ये गाजर भी ऐड कर दूंगी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, और एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूंगी। मैदा छान लिया था मैंने, वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर आधा मैदा। ज़रूरत पड़ी तो हम और भी ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छा सा इसका बैटर बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रह जाए, इसको अच्छे से ही मिक्स करेंगे। इसको हम कांटे वाले चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम सभी को मसाले को रेडी करके, ये बेसन को रेडी करके, वो सॉरी मैदे को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर मैं मैदा एक ही प्याली ली थी, कटोरी, वो पूरा ही ऐड कर दूंगी। पानी भी मैंने एक कप लिया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसको अच्छे से अभी हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी मसालों को इसको अच्छे से मैदे को मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए। इसका हम पतला सा एक बैटर बना लेंगे। इसको भी 5 मिनट के लिए कवर करके इसको हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। देखिए मैं इसके अंदर पानी और ऐड कर रही हूँ, एक ही कप पूरा ही पानी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसके अंदर कोई गुठलियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा सा बना है। मैं अभी आपको चम्मच से दिखाती हूँ, वाले से दूसरे से। देखिए देखिए इसमें कोई भी गुठली नहीं है, बहुत अच्छा सा हमारे बैटर बन गया इसका, वेजिटेबल के पराठों का। ये तो पराठे तो सभी को ही पसंद है, बहुत सॉफ्ट से बनते, बहुत नरम से। इसको हम अभी कवर कर देंगे। को 5 मिनट तक मैं कवर कर दूंगी, 5 से 6 मिनट तक, उसके बाद बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए अब हम पराठा इसका बनाना रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। हमारा तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने इसकी मदद से सभी ऐड कर देंगे इसमें।
इसको हम अच्छे से अभी हम फैला देंगे सभी को, इसको हाथों की मदद से अच्छे से आराम से बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे पूरा। देखिए इसको अच्छे से हम बिस्मिल्लाह हम एक साइड इसको अच्छे से सिकने देंगे, उसके बाद हम इसकी दूसरी तरफ सेकेंगे। देखिए एक तरफ सेक लिया हमने, दूसरी तरफ इसको अच्छे से हम आराम से पलट लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा से बना हुआ है। देखिए इसके बाद अभी हम ऑयल लगाएंगे, बिस्मिल्लाह। दो खाने वाले चमचे इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिए, अच्छे से लिया सेक लेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसको अच्छे से हम सेक लेंगे। देखिए इसके पूरा अच्छे दोनों तरफ से हम अच्छे से बिल्कुल सेक लेंगे इसको। थोड़ा हम आराम से इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से सेक जाएगा हमारा पराठा दोनों तरफ। इसको अब हम दूसरी तरफ, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सिका है, दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही अच्छे से, देखिए माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। देखिए हमारा पराठा बन गया, इसको हम निकालेंगे, हम फिर दूसरा इसमें ऐड करेंगे। ऐसे मैं सभी तैयार करके फिर आपको दिखा, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना पराठा हमारा वेजिटेबल का। देखिए ये हमारे पराठे बन के रेडी हो गए, अभी हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सर्व करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल जाए। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है वेजिटेबल का पराठा, जो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, बहुत ही डिलीशियस बना हुआ है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ और खा के बताता हूँ इसका टेस्ट कैसे है। माशाल्लाह से देखें बहुत ही नरम है और बहुत ही सॉफ्ट है ये पराठा। साथ ही इसके माइनस हमने बनाई थी, बहुत ही टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। ऐसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दें, हम अगली रेसिपी में मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफिज़।